खबर जबलपुर से है, जहां ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी का स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अमिता सक्सेना को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो वहीं डॉक्टर ऋचा धीरावाणी को सचिव पद के लिए चुना गया है। इस दौरान ऑक्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप टांग को वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर जितेंद्र जामदार मौजूद रहे। आयोजन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े राष्ट्रीय अभियान में जबलपुर की सहभागिता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में खासकर महिलाओं में बढ़ रहे बांझपन पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। सोसाइटी की अध्यक्ष अमिता सक्सेना और सचिव डॉक्टर ऋचा धीरावाणी ने बताया कि इस आयोजन का मकसद सोसाइटी के जरिए महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, खासकर मातृत्व के प्रति अवेयरनेस लाना है। कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी पूर्व अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया। पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको सबसे परिचय कराते हैं और उनकी जिम्मेदारियां होती हैं पूरे साल काम करने की, जिसमें हम सोशल सर्विसेज करते हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियों के लिए अवेयर करते हैं, अलग अलग रिसर्च वर्क करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाके एडोलेसेंट को जो बच्चे होते हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं, एनीमिया कैंप करते हैं, बहुत सारे हमारे टारगेट्स होते हैं जिनको लेके हम पूरे साल काम करते हैं। हमारी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनका हम इंस्टॉल करते हैं वो लोग ये काम करते हैं। जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी की एक CME में, जो कि पॉलिसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर है, जिसको डिलीवर करने के लिए आए हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जयदीप टांग सर, जो कि हुल चेयर इन द ईयर 2023-24। और ये मुद्दा हुआ हमारा पॉलिसिस्टिक का, जो कि आजकल देखा गया है कि PCOS बहुत लड़कियों में पाया जा रहा है और वह बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण लेटर ऑन बनता है। इस सोसाइटी की इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी है, मतलब हर साल एक नया प्रेसिडेंट और एक नया सेक्रेटरी इलेक्ट होता है, उनकी बॉडी बनती है। तो इस साल 2022-23 के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं डॉक्टर अमिता सक्सेना मैडम और सेक्रेटरी हूँ मैं डॉक्टर ऋचा धीरावाणी।